नमस्ते करता हूँ फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल वाराणसी अवेरी में। आज का वीडियो जो है, आज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में मॉनसून आ रहे हैं। सो मॉनसून जो है बर्ड्स के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जबकि मेरे यहाँ पे टेम्परेचर 45, 47, 48 हो गया है। तो फ़िलहाल तो मॉनसून का आज से शायद आ रहा है, तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके बर्ड सेफ हैं, उनको उतना ही प्रोटेक्शन चाहिए होगा जितना आपको नॉर्मल गर्मी के दिन में चाहिए होता था। मैं मॉनसून के ऊपर, रेनी सीजन के ऊपर मैं कम से कम 3-4 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल एक आपको एक मेजर प्रॉब्लम जो अभी मॉनसून के टाइम में या गर्मी के सीज़न के एंड में टाइम में ये चीज़ आपको दिखेगा, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो शायद सारे ब्रीडर्स को या हमारे बर्ड लवर्स जो एक दो पेयर्स भी घर पे रखते हैं उनको भी ये फेस करना होता है। बट संकोच करते कि हाँ शायद वो बर्ड्स खुद से कर लेगा या अपने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कहीं कहीं हमको उनका मदद करना पड़ता है, क्योंकि वो उतने इस चीज़ से डील नहीं किए होते हैं ना, क्योंकि वो तो केज में रहने वाले, वो सीखे नहीं है अपने पेरेंट्स से, वो अलग ही रहते हैं। तो आइए देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या इशू आता है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हो, इसको कहते हैं पूप वेंट ब्लॉकिंग। इसमें क्या होता है, इनके पूप जो है इनके फेदर्स में जमते जमते एक बड़ा सा एक ढेला टाइप का बन जाता है और स्टोन टाइप की बन जाती है जो इनके फेदर्स में चिपका है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि बहुत इनके हेल्थ को कॉन्शियस करता है, बट हाँ इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। सो व्हाट वी नीड टू डू, आप इसको सिंपली इसको गीला कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल दीजिए और इसके ऊपर इन द सेंस इसके जो फेदर्स जहाँ जहाँ चिपके हुए हैं ना उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा ना, ये फेदर बहुत, मतलब बस जो पूप वाला हिस्सा है वो गीला हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने हाथ से एकदम नरम, धीरे हाथ से, ऐसा नहीं है कि उसको खींचना है क्योंकि उसको हर्ट हो सकता है, तो एकदम धीरे धीरे अपने हाथ से उसको खींचते हुए नीचे की तरफ वो निकाल लीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि उसके स्किन को कोई भी आप हर्ट ना करो। मैंने इसको ऐसे ही करके निकाला, निकालने के बाद इसको छोड़ दिया। एंड अब छोड़ने के बाद वो काफ़ी मुझे लग रहा है रिलीफ फील कर रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लाई कर रहा था। तो फ्रेंड्स, अलविदा दीजिए, आपके पास बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो मैं लेते आता हूँ, इन्फॉर्मेटिव डियर मॉनसून के रिगार्डिंग ही होगा बेसिकली, क्योंकि अभी उन लोग का केयर बहुत करना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।